गंगा में मेडल बहाने से मना कर दिया गया है। जहां पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं, उसके लिए अब उन्हें मना कर दिया गया है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने यह बयान जारी किया था कि वो अपने मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं। जितना पवित्र गंगा को माना जाता है, उतनी ही पवित्रता से मेहनत कर उन्होंने इस मेडल को हासिल किए थे और अब इस मेडल को गंगा में बहाने के बाद रेसलर्स दिल्ली में इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे। लेकिन ये बड़ा सामने आया है ऐलान, ये बड़ा ऐलान सामने आया है कि गंगा सभा ने ये ऐलान किया कि उन्हें अब वहां मेडल बहाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये गंगा नदी में मेडल बहाने के लिए पहलवान हरिद्वार पहुंच गए और मेडल बहाने पहुंचे पहलवान इस समय हर की पौड़ी पर मौजूद है, लेकिन उन्हें अब ये मेडल बहाने से मना कर दिया गया। उन्हें गंगा सभा विरोध करेगी। उन्होंने कहा, अध्यक्ष ने ये कहा है कि रेसलर्स यहां आकर मेडल विसर्जित करेंगे तो गंगा सभा उन्हें रोकेगी। और ये भी कहा कि गंगा का क्षेत्र है, यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं और साथ ही यह जंतर मंतर नहीं और ना ही राजनीति का अखाड़ा है, हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए रेसलर चाहे तो गंगा की आरती में शामिल हो, लेकिन उन्हें गंगा में अपने मेडल बहाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले करीब एक महीने से ये पहलवान धरना दिए हुए थे, वहां से इन्हें हटा दिया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें पहलवानों को ये नहीं अपने जो उन्हें चाहिए था, वे चाहते थे कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये नहीं हो पा रही थी। उसके लिए अब उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया था और इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सब वहां पर बैठे हैं, सब रोते हुए नजर आ रहे हैं, सबके आंखों में आंसू है। दोनों गंगा किनारे बैठे हुए हैं, सर पकड़ कर रो रहे हैं और साथ ही कुछ ही देर में वे अपने मेडल्स को बहाने वाले थे, लेकिन उन्हें अब ये मना कर दिया। वे लगातार रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने मेडल्स वहां पर लेकर पहुंच गए हैं, जितनी मेहनत से उन्होंने अपने मेडल्स को कमाया था, जीता था, लेकिन उसको अब उन्होंने, जब ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगभग एक महीने से ज्यादा हो गया वे जंतर मंतर पर धरना दिए हुए बैठे थे, लेकिन जब ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कदम नहीं उठाया गया, उसको लेकर पहलवान काफी आक्रोशित है। कई बार उन्होंने कई तमाम कोशिशें किया लेकिन कुछ नहीं हल हो पाया और अब वे अपने मेडल्स को गंगा में बहाने आए हैं। लेकिन अब आगे देखना ये होगा कि क्या रेसलर्स को गंगा में मेडल विसर्जित करने की अनुमति दी जाती है या नहीं।